फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। उसका नाम है टाइफॉइड फीवर। हम अक्सर देखते हैं, बहुत बार ये डिसीज बहुत लोगों को होता है। ओके, सो टाइफॉइड किस वजह से होता है, टाइफॉइड के लक्षण क्या है, हमको टाइफॉइड के समय में कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड फीवर होता है एक बैक्टीरिया के वजह से, जिसको हम सैल्मोनेला टाइफी सब टाइप सैल्मोनेला एंट्री का हम उसको कहते हैं। जब यह बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, सो इस बैक्टीरिया इन्फेक्शन का असर कब होता है, आफ्टर 6 to 7 days और आफ्टर द मंथ इसका असर हमारे बॉडी पे होने लगता है। टाइफॉइड के सिम्टम्स के बारे में देखें तो हम सिम्टम्स 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वीक में क्या सिम्टम्स आते हैं, सेकेंड वीक में क्या सिम्टम्स आते हैं और थर्ड वीक में क्या सिम्टम्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वीक होता है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो तपने लगता है। सो स्लाइटली इंक्रीज फीवर आने लगता है, पेशेंट को ठंडी बजने लगती है, चील्स आते हैं, हेडेक होता है, रेस्टलेस रहता है पेशेंट, देन अच्छी से नींद नहीं हो पाती है। सो ये जो फर्स्ट वीक में के जो सिम्टम्स हैं, देन ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट में वो स्लो हो जाता है, ये जो सिम्टम्स है ये फर्स्ट वीक में पेशेंट को आने लगते हैं। देन अगर कोई चाहता है विडाल टेस्ट करे, टाइफॉइड के लिए एक विडाल टेस्ट करके आती है, बट विडाल टेस्ट है वो जो फर्स्ट वीक में वो नेगेटिव आती है, तो हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं, स्टूल कल्चर कर सकते हैं। देन सेकेंड वीक में क्या होता है, पेशेंट बहुत टायर्ड हो जाता है। ओके, उसका जो फीवर 40 डिग्री तक चला जाता है, बहुत रेस्टलेस रहता है, देन रैटलिंग साउंड ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है तो उसमें एक साउंड आ जाता है, देन थर्स्ट है वो बहुत बढ़ जाती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, देन सोरनेस आ जाता है, कॉफ आने लगता है, देन हल्की सी पतली लैटिन जाती है, रिबन लाइक लैटिन हम उसको बोलते हैं। सो ये जो सिम्टम्स है वो सेकेंड वीक में आते हैं, और थर्ड वीक में अगर बात करते हैं तो बहुत ही फीवर ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत रेस्टलेस हो जाता है पर्सन, बहुत स्लीपलेसनेस आता है उसको, देन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में एंडोकार्डाइटिस है, पोलियोसिस्टाइटिस है, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, इंटेस्टिनल हिमोरेज है। देन क्या होता है, ये जो चेस्ट का रीजन है, एब्डोमिनल चेस्ट का रीजन, वहाँ पे फुंसी आने लगती है, रेड स्पॉट आने लगते हैं। तो ये जो सब सिम्टम है, अगर ये सिम्टम्स किसी पेशेंट में हमको दिखाई दे रहे हैं तो हमको समझ जाना चाहिए दिस इज अ सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। सो अभी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, हम अक्सर देखते हैं एलोपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, एमोक्सिसिलिन है, एम्फीसिलिन है, क्लोरोएम्फेनिकोल है, क्लोरोक्विडिन है, बहुत सारे मेडिसिन है एलोपैथी में। बट हम अभी देख रहे हैं इस समय में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे जो एलोपैथिक मेडिसिन है टाइफॉइड के, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सो हमने सोचा अभी होम्योपैथी से कुछ कर सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली होम्योपैथी में टाइफॉइड का अच्छा सा इलाज है। अगर फर्स्ट वीक में अगर पेशेंट हमारे पास आता है ये टाइफॉइड के सिम्टम्स लेके, तो हम उसको फर्स्ट वीक में हम उसको रस्टॉक्स देंगे, रस्टॉक्स से मेडिसिन अच्छे से काम करेगी। देन सेकेंड वीक में अगर पेशेंट आता है तो हमारे पास आर्निका है, आर्निका वॉल्यूम पोटेंसी में हमको देना है, बट पोटेंसी हाई इसीलिए हम ज़्यादातर उसको रिपीट नहीं करेंगे। और थर्ड वीक में जब रेड स्पॉट आने लगते हैं, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, थर्स्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है, सोरनेस आ जाता है, ड्राई कफ रहता है,
उस कंडीशन में हमको देना चाहिए बैप्टिशिया, विच इज ऑल्सो इन वन एम पोटेंसी, वो भी हाई तो हमको ज्यादातर रिपीट नहीं करना। तो ये थ्री मेडिसिन है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं टाइफाइड फीवर में। सो टाइफाइड इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों लेना है, मैंने जैसे बताया बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन आजकल रेजिस्टेंट हो गए हैं टाइफाइड के लिए। देन प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस मतलब हमको टाइफाइड से बचाव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे टोटल हाइजीन रहनी चाहिए, वो एरिया पूरा सैनिटाइज करना चाहिए। देन हमको जो हम खाना खाते हैं ओके, वो जो सब्जी है वो हमको वार्म वाटर में धो लेनी चाहिए। इसके वजह से क्या होता है टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होता है, हम बचाव कर सकते हैं टाइफाइड के इन्फेक्शन में। सो फ्रेंड्स, अगर कोई पेशेंट इसमें से जा रहा है तो टाइफाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर फर्स्ट वीक में अगर हमको टाइफाइड के सिम्टम्स दिख रहे हैं उस वीक में अगर वो पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमको विराल टेस्ट नहीं करना है कि जनरली वो उस टाइम पे नेगेटिव आता है। सो हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं, स्टूल कल्चर कर सकते हैं, देन बाद में एक दो वीक के बाद, दो हफ्ते के बाद हम विराल टेस्ट कर सकते हैं। देन और रैपिड टेस्ट है कोई टाइफाइड के लिए तो एक टाइफाइड की टेस्ट है, ट्यूबलेक्स टेस्ट बोलते हैं उसको, देन टाइफिडॉट नाम की टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी और रैपिड टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर टाइफाइड के कंडीशन में अगर कोई जा रहा है, अगर एलोपैथी से उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो जरूर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसका कंसल्टेशन लीजिए, आपको जरूर आराम मिल सकता है। और मैंने ये तीन रेमेडी तो बताई है। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव सम डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।